अब आप लोगों ने तो वो एपिसोड देखा होगा कि बेंटेन क्लासिक में जब ग्वेन को ऑम्निट्रिक्स मिला था और उस एपिसोड के एंड में हमें ये देखने को मिला था कि जो ग्रैंपा मैक्स है उनके पास ऑम्निट्रिक्स आ जाती है। पर क्या कभी आप लोगों ने ये चीज़ सोचा कि उसके बाद क्या हुआ, ग्रैंपा मैक्स को ऑम्निट्रिक्स मिलने के बाद क्या हुआ और ऑम्निवर्स में जो हम लोगों ने ग्वेन को देखा जिसके पास ऑम्निट्रिक्स था वह कौन थी। इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले आप लोग वीडियो का लाइक एम कंप्लीट करा देना, 300 लाइक एम है और 50 कमेंट्स कर देना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है बेंटेन से लेकर तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको रीकैप करा देता हूं। देखो जो हमारा प्राइम टाइमलाइन वाला बैन था वह ना जाने किस टाइमलाइन में पहुंच गया था जहां पर ग्वेन को ऑम्निट्रिक्स मिल जाता है। बेन को काफ़ी कुछ पता था पर बेन के हाथ में ऑम्निट्रिक्स नहीं था, तो वह फ्यूचर का बेन था जो कि टेलीपोर्ट होके पास्ट टाइमलाइन में आ गया था। तो हमारा जो प्राइम टाइमलाइन वाला बेन था वह दूसरे टाइमलाइन में फंस जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये बस एक ड्रीम हो। उस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बेन को काफ़ी कुछ पता था और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो ग्वेन है वो ऑम्निट्रिक्स को बहुत जल्दी जल्दी यूज़ करना सीख चुकी थी। हम लोगों ने विलगेक्स को देखा, जो विलगेक्स है वो ग्वेन को कब्जा कर लेता है और ऑम्निट्रिक्स को पाना चाहता था। और उसी एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा कि जो ग्वेन का ऑम्निट्रिक्स है वह ऑम्निट्रिक्स आ जाता है ग्रैंपा मैक्स के पास और ग्रैंपा मैक्स ने अपग्रेड का यूज़ भी किया था। उसके बाद क्या हुआ, देखो ये जो एपिसोड था इसे अगर आप लोग कॉमिक में ढूंढोगे तो ये एग्जिस्ट करता है। बेंटेन का जो एनिमेशन है वो पूरा का पूरा कॉमिक से उठाया गया है और जो ग्रैंपा मैक्स को ऑम्निट्रिक्स मिला था उसके बाद क्या हुआ ये कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। मतलब कि ये कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है। जो मैन ऑफ एक्शन है जिन्होंने बेंटेन को बनाया है ये एपिसोड को इस तरह से बनाया है कि इसका कोई फ्यूचर भी नहीं था, इसका जो पास्ट भी नहीं है। मतलब कि ये एक फिलर एपिसोड है जो कि फैंस को एंटरटेन करे। इस एपिसोड का जो स्टोरी है वो कंटिन्यू नहीं है फ्यूचर में। मतलब कि जो हम लोगों ने देखा एपिसोड 7, एपिसोड 8, एपिसोड 9, एपिसोड 10 ये सब लिंक है। बेन को अगर न्यू एलियन मिला है तो वह एलियन हमें आगे के एपिसोड में देखने को मिलेगा, पर ये जो एपिसोड था ये एक फिलर की तरह था। मतलब कि इसका जो स्टोरी है वो आगे कंटिन्यू नहीं करा जाएगा। तो ये तो हो गया ऑफिशियली न्यूज कि इसका कोई भी स्टोरी कंटिन्यू नहीं होना था। पर फैंस थ्योरी ये कहती है कि इस एपिसोड के बाद क्या हुआ, ग्रैंपा मैक्स ने ऑम्निट्रिक्स को यूज़ किया, उसके बाद जो ऑम्निट्रिक्स है वो ऑटोमेटिकली ग्वेन के पास चली जाती है और हम लोगों ने जो ऑम्निवर्स में ग्वेंटेन को देखा वह यही ग्वेंटेन थी। क्योंकि एक बार पैराडॉक्स ने भी कहा था कि एक ऐसा टाइमलाइन है जहां पर ग्वेन को ऑम्निट्रिक्स मिला था। ऐसी सैकड़ों दुनिया है, ऐसी दुनिया जहां ग्वेन को ऑम्निट्रिक्स मिला। तो वह इसी टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं और यही जो टाइमलाइन है वह कंटिन्यू होता है ऑम्निवर्स वाले टाइमलाइन में। और हम लोगों ने जो बेन को देखा जो कि फ्यूचर से आया था वह उस टाइम पैदा हुआ था, मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटा था, इसीलिए हम लोगों ने ऑम्निवर्स में बेन को बहुत ज़्यादा छोटा देखा और ग्वेन को बड़ा देखा। तो वह जो टाइमलाइन था वह ऐसा टाइमलाइन था जिसका कोई आगे फ्यूचर नहीं था, जिस वजह से ग्वेन का जो टाइमलाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बेन के टाइमलाइन से। ग्वेन को ऑम्निट्रिक्स तो मिला पर उस ऑम्निट्रिक्स का जो यूज़ है वो ग्वेन बहुत ज़्यादा अच्छे से करती है। तो गाइज़ मैंने आपको न्यूज़ बता दिया कि इस एपिसोड के बाद क्या हुआ। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी दुनिया जहां अल्बिडो एलियन एक्स बन गया और करीब एक साल तक सुन रह गया।